रहीम uh, मुझे आज uh, ख़ास तौर पर खराज तहसन पेश करना है uh, अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट सानिया आपको शहजादा सेक्रेटरी uh, uh, एहसास आपको और uh, माल में सारी आपकी ऑन सारी आपकी टीम जो माल किया मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ ये जो दो चीज़ें हैं एक तो जो हमारे पनागा हैं मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनागा को देख के क्योंकि वो लोग जो मुस्तक हैं जो महनत का जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को अपनी फैमिली को अपने बीवी बच्चों को उनके लिए मेहनत करते हैं और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं तो इसलिए पना गाह की उन इलाक़ों में जिधर मेहनत कश वो मज़दूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं एक तो ये पना के उनके लिए एक नेमत है और इन अभी हमने जो शुरू किए हैं ये जो स्टैंडर्डाइज़ जिनके ऊपर हमने ये देखा है कि कोई मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको उसको इज़्ज़त दें उसको सही तरह ट्रीट करें उसको इस तरह ना करें कि जो जिस तरह हम बदकस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें उनको अच्छा खाना दें उनको साफ सुथरा रहने का माहौल दें और ये जो पहले हमने शुरू में जब पनह बनी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड नीचे चली गई तो ये जो अब हमने पन्गह बनाई है ये मैं ख़ास तौर पर एहसास और आपको ऑन खास तौर पर ये इसकी भी मुबारक देता हूँ कि अब इनकी स्टैंडर्ड अच्छी आपने कर दी है और अब मैं देखता हूँ साफ़ खाना है साफ़ रहना है लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना है मसलसल आपने इसको देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं और वो अभी तक अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकस्मती से हमारी सोच बन गया कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमने देखना है कि उनको आपने बेहतरीन उनका ध्यान रखना है और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना ये सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं जिधर उनके उनको खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं नहीं अगर उनको दिहाड़ी लगी तो घर में कई दफ़ा भूख होती है तो हम जो इसको एक फलाई रियासत बनाने जा रहे हैं ये उसका आगाज़ है कि हम उनके लिए आ, हमारे ये वैन्स फेरें और फिर सारा वक्त आप देखें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिधर सबसे ज़्यादा ग़रीब बस्तियाँ हैं जिधर वो लोग हैं जिधर भूख ज़्यादा है तो ये हमारे आ, ये तो आगाज़ है इससे हम बड़ा चीज़ सीखेंगे क्योंकि जब ये शुरू होगा पूरी तरह आज अभी आपने मुझे पता है पायलट किया हुआ है लेकिन जब अभी इस्लामाबाद में हम चलाएंगे और पिंडी में तो हमें कई चीज़ें सामने आएंगी कई चीज़ें हमें हम सीखेंगे इससे क्योंकि पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई तो उसके अंदर हम फिर मुसलसल इसको इम्प्रूव करते जाएंगे आपने इसका और बड़ा अच्छा किया कि इसका पूरा आप रिकॉर्ड रख रहे हैं आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा और फिर आपको शुरू में पूछना भी पड़ेगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ क्या मसले आए और इसमें मसले आएंगे तो वो आपने मुसलसल वो मसले हल करते रहना और ये मेरी ख्वाब ये है कि ये एक इस तरह की सर्विस बन जाएगी कि सारे पाकिस्तान में हमारे ये ट्रक फिरेंगे और ख़ास तौर पर शहर के इलाकों में जिधर कई गरीबों की बस्तियाँ हैं जिधर भूख ज़्यादा है तो ये उन लोगों के ऊपर ये सारे इलाकों के अंदर हम इन इसका इसको शुरू करेंगे और मुझे जो अपनी कॉम को मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तानी कौम ने मुझे दिया आज तक किसी ने इतना ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा किया तो जब वो उनको इतमाद हो जाएगा कि ये वाकई अल्लाह का काम कर रही हैं ये हमारी आ, ये हमारे जो ट्रक जाएंगे ये जो किचन जाएँगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत लोग आएंगे और अभी से बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हम भी शिरकत करना चाहते हैं इसमें हमारे मुल्क में बड़े खुल के लोग बड़े खुले दिल के लोग हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए वो हमेशा इसमें इस तरह इसमें शिरकत करेंगे तो हमने मेरा जो ख्वाब है कि हमारे ये पनागा भी हर उस इलाके में होंगी जिधर मज़दूर मेहनत का आते हैं ताकि वो रात यहाँ ठहर सकें और उनको खाना मिल सके और ये हमारे जो ट्रक वो सारी जगह जाएंगे जधर जधर हमारी गरीब बस्तियाँ हों जिधर लोग भूखे हों और दो और चीज़ें हैं इन श्ला जो हमारी सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो दो हमारे जो सूबे हमारे नीचे हैं पख्तूनख्वा और पंजाब और इन गिलगित बल्तिस्तान जिधर हमारी गवर्नमेंट है उधर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं कि सारे जितने भी शहरी होंगे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी हर खानदान के पास कार्ड होगा कि किसी भी हस्पताल में जाके वो दस लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं किसी भी खानदान तो अगर कोई बीमारी हो किसी में लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो कार्ड उनको मौका देगा किसी अस्पताल सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं किसी भी अस्पताल में जा इलाज करवा सकते हैं ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिस तरह बड़े बड़े अमीर मुल्कों में इस तरह के सिस्टम होते हैं पाकिस्तान में भी आए और जो चौथी चीज़ है इन जून के अंदर हम लेके आ रहे हैं जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम हम महंगाई के दौर में हम डायरेक्ट तकरीबन अपनी कितने खानदान तो यानी तकरीबन तीन करोड़ खानदानों को तीन करोड़ ख़ानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज़्यादा उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे उनके लिए मसला अगर आटा आटे की कीमत दुनिया में ऊपर जा रही है सारी सारी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला क्योंकि ये जो करोना की वजह से मसले आए हैं सारी दुनिया में तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए और फिर किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम ले आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें ताकि किसानों के लिए भी उनके खर्चे कम हो वो उनको भी डायरेक्ट सब्सिडी एक न्याज पाकिस्तान में के इनकलाबी सिस्टम लेके आ रहे हैं इन ये जून से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेटा सत्तर फीसद कम्प्लीट हो गया तीस फ़ीसद रह गया तो इन जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम घरों को डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे बजाय ये कि एक ओवरऑल सब्सिडी दे डायरेक्ट सब्सिडी और तकरीबन ये तीन करोड़ खानदान को तीन करोड़ खानदानों को कवर करेगी जो अगर उनके बच्चे मिला लें तो तकरीबन आधी से ज़्यादा हमारी आबादी को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे मैं फिर से आपको आज सास को और बैतलम को दोनों को आपको मैं ख़ास तौर पर आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यह एक बड़ा ज़बरदस्त काम का आगाज़ हुआ है शुक्रिया